और इस वक्त हम जुड़ेंगे विकास नाग हमारे सहयोगी केशकाल से जुड़ रहे हैं। विकास आपके पास में आ रहे हैं, क्या स्थिति है, अपडेट बताएं। ठीक है, हम बताना चाहेंगे कि अभी 11 बजे तक कुल 37% मतदान हुआ है और नगर पंचायत केशकाल में कुल मतदाता 7683 है, जिसमें महिलाओं की संख्या इस बार ज़्यादा है, 3966 है। वहीं पुरुषों की संख्या देखा जाए तो 3717 है। केशकाल नगर पंचायत में कुल 15 वार्ड हैं जिसमें 69 प्रत्याशी खड़े हैं और इसमें सबसे खास बात है कि कई ऐसे कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी हैं जो इस बार बागी हुए हैं, जो पिछले बार पार्षद थे और सब बागी हुए हैं और निर्दलीय में खड़े हुए। हमारे साथ केशकाल विधायक संतराम नेताम है, इनसे जानते हैं कि किस प्रकार समीकरण बनाए हैं, क्योंकि लगातार कई दिनों से मॉर्निंग सुबह से लेकर शाम तक दौरा की है पूरे 15 वार्ड पर, किस प्रकार का समीकरण रहेगा इस बार नगर पंचायत में? देखिए, इस बार जो नगर पंचायत केशकाल में सभी वार्डों में हम सघन दौरा किए हैं, हमारी सरकार की सारी उपलब्धियों को हमने उनको बताया है और पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर नगर में उनकी सरकार थी। पूरे वार्ड में अव्यवस्था का आलम होने से यहाँ के नगरवासियों मन बनाया है कि इस बार कांग्रेस को वोट करेंगे और निश्चित तौर पे हम लोग इस बार नगर पंचायत में कांग्रेस की कब्जा होगी। क्या लगता है, नगर आपके विधानसभा में फरसगांव नगर पंचायत भी आता है, वहाँ के क्या स्थिति रहेगा नगर पंचायत फरसगांव? मैं वहाँ भी 2 दिन तक लगातार दौरा किया हूँ, वहाँ के लोगों के मन को जानने का प्रयास किया। वहाँ भी हम लोग पूर्ण बहुमत से नगर पंचायत फरसगांव में कांग्रेस की कब्जा होगी और यहाँ पर जिस हिसाब से लोगों का एक रुझान दिख रहा है, यहाँ सुरडोंगर में और पूरे शहरों का मैंने अभी भ्रमण किया है, लोगों का मन है कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस बार नगर पंचायत केशकाल में कुल 15 वार्डों में सबसे ज़्यादा वार्ड नंबर 10 में 9 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जिसमें सबका दांव वहीं टिका हुआ है कि किस प्रकार का समीकरण बना रहेगा। सब लोगों का ये मानना है कि इस बार 39 निर्दलीय खड़े हुए हैं, 39 निर्दलियों में भी इस बार सबसे ज़्यादा ताकत लगाए हुए हैं, क्योंकि ऐसे कई प्रत्याशी है कांग्रेस और भाजपा का जो बागी प्रत्याशी हैं और जो बागी प्रत्याशी निर्दलीय में खड़े हैं उनके ऊपर दांव लगा हुआ है। जी चलिए, बिल्कुल आपके पास में हम वापस लौटते रहेंगे प्रकाश। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत के लिए विधायक महोदय का भी बहुत बहुत शुक्रिया।